डॉक्टर आपने बताया कि नॉग नीज़ को लेके लोगों में इस तरह की दिक्कत नहीं हो सकती है इसके अलावा बुढ़ापे में हमने जो घुटनों के दर्द की बात की कई ऐसे लोग हैं डॉक्टर जो हॉस्पिटल का रुख करने से डरते हैं कि हम अगर गए तो हो सकता है कुछ ऐसे इंजेक्शन या इस तरह का डॉक्टर आप सीधा नी रिप्लेसमेंट के लिए ना बोल दें क्या नी रिप्लेसमेंट तक की बात कब पहुंचती है या डॉक्टर से सलाह लेना जल्द से जल्द कितना ज़रूरी है आई विल गिव यू सम हिस्टोरिकल परस्पेक्टिव जब 25 साल पहले मैं अमेरिका से वापस आया तो मुझे याद है कि पेशेंट दरवाजे में आते ही मुझे बोलता था कि साहब जो भी कहना ऑपरेशन मत कहना बिल्कुल और अब ये बात है कि पेशेंट आते हैं तो बोलते हैं कि साहब ऑपरेशन कर दो मैं बोलता हूँ कि नहीं तेरी उम्र छोटी है थोड़ा टाइम निकाल दे तो बोलते हैं नहीं मैं टेढ़ा चलती हूँ मुझे पसंद नहीं है ऐसा मुझे सही चलना है तो मुझे कहना पड़ता है कि ये कॉस्मेटिक सर्जरी नहीं है ये टू इम्प्रूव योर क्वालिटी ऑफ लाइफ सर्जरी है तुम्हारा पेन निकालने के लिए सर्जरी है मतलब कहने का ये है कि पच्चीस साल में इतना अवेयरनेस आया है कि एक बाजू ये था कि पेशेंट को सर्जरी बिल्कुल ही नहीं करानी थी तो आज हमको बोलना पड़ता है कभी तुमको जरूरत नहीं है दो चार साल के बाद आना ये एक बात है दूसरी बात यह है कि आमतौर से पेशेंट डरते हैं वो भी सही है डॉक्टर के पास जाने में कि कहीं सर्जरी की बात नहीं आ जाए लेकिन सर्जरी की बात अगर आती भी है तो भी वो आपका डिसीजन है करना नहीं करना कब करना बट एक बार जरूर डॉक्टर को जाके मिलना चाहिए क्योंकि अगर आप वो स्टेज में है कि आपका इतना घुटना खराब नहीं है तो अगर थोड़ी एडवाइस ट्रीटमेंट मिलने से आपका पेन फ्री टाइम विदाउट सर्जरी लंबा चले hmm.